पवित्र मास रे कार्तिक मास रे अगणित श्रद्धालु भक्त मानंकु दर्शन दउछन्ति। पवित्र कार्तिक मास आज ही पवित्र कार्तिक व्रतर अयमारंभ। प्रत्येक व्रतार्थी माने पाप एक क्षेत्रवास करी पंचतीर्थरे स्नान पूर्वक पुरुषोत्तम मासर पवित्र कार्तिक मासर आराध्य देवता भगवान स्वयं राधा दामोदर रूपी जगन्नाथंकु दर्शन करी हविष्य भोजन करी पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य श्रवण करी संपूर्ण मासटी आजिठारु महासंकल्प द्वारा हविष्य भोजन पुराण श्रवण राधा दामोदर वेश दर्शन करी कार्तिक व्रतार्थी माने महान पवित्र कार्तिक व्रत अयमारंभ करिथा। श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर अयमारंभ होइछि राधा दामोदर वेश एवं बाल भोग। शासन्य मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि ठारु पवित्र बेश अयमारंभ होइछन्। कार्तिक शुक्ल दशमी पर्यंत राधा दामो दरवेशरे अगणित भक्त मानंकु दर्शन दउछन्। ए बेशरे गोटिए स्वतंत्र भोग अनुष्ठित होइता जो भोगर नाम बाल भोग। जो बाल दिने किंब दिने इतिहास को देखिले पुराण को देखिले तलुच महापात्रे सेवक कहिथिले त्रिमंडी गभा बाल एतो कोपकु नुहई उचित हे राजन। ए बाल जो बाहरी महाप्रभुंकर नाक चढ़ारु यहा महाप्रभुंकर त्रिमुंडी गभार बाल। यहा परीक्षा दे स्वयं गजपति तथ्य दर्शन करिथिले महाप्रभुंकर त्रिमुंडी रे केश। सही दिन ठारु अयम आरंभ हला कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी थारु आसन्य पूर्णिमा पर्यंत स्वतंत्र भोग बाल भोग। जो भोगरे कोठ महाप्रभुंकर दोबजा लिया बड़ो कोरा सानो कोरा नड़िया काती खूब पेड़ा दही पाटक पुरा कदली विविध नौ गोटे प्रकार विविध द्रव्य महाप्रभुंकर सकाल धूप पूजा परे ए गोपा बाल भोग अनुष्ठित होता है। षोल शासन बतीश करवाड़ छतीसा निजोग सात साई विभिन्न भक्त माने मठ बाड़ी ए भोग पाई समस्त स्वतंत्र खंजा रखी था। तेणु महाप्रभुंकर ए पवित्र आज पवित्र महाधर्म मास महापुण्य मास महाकार्तिक व्रतर अयमारंभ दिवस रे प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करिवा राधा दामोदर वेश रे प्रभु को दर्शन करिवा द्वारा संपूर्ण कार्तिक व्रतर पुण्य फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ए मासटी समस्तंकर आनंदमय हो प्रेममय हो प्रेम सद्य कल्याणमय हो यहाँ प्रार्थना महाप्रभु श्री राधा दामोदरंकर अभय चरणारविंद।